गुड मॉर्निंग, जय हिंद एंड वेलकम टू सरीन पाठशाला। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस रहें। डेली की तरह 10 क्वेश्चंस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट हैं, करंट अफेयर्स रिलेटेड हैं और उनकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन साथ साथ हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, NHRC ऑर्गेनाइज्ड अ फंक्शन ऑन 70th ह्यूमन राइट्स डे, हु वाज द चीफ गेस्ट। NHRC क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया 70वें मानव अधिकार दिवस पर, तो इसके चीफ गेस्ट कौन थे, इस फंक्शन के चीफ गेस्ट कौन है? तो ऑप्शंस आर नरेंद्र मोदी, मुख्तार अब्बास नकवी, नरेंद्र तोमर और इज इट डी अरुण जेटली। सो द राइट आंसर इज मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी हैं कौन? ही इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, तो वो इसके चीफ गेस्ट रहे। जो ह्यूमन राइट्स डे है, जो 70वां इस बार हमने मनाया, तो इसे अडॉप्ट किया गया 10 दिसंबर 1948 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ठीक है, तो NHRC जो इंडिया में अगर हम बात करें नेशनल लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स की एक्सप्लोरेशन के अगेंस्ट काम करता है, तो वो NHRC है। ये एस्टेब्लिश हुआ 1993 में। इसके जो हेड हैं वो हैं HL दत्तू। ठीक है, रिटायर्ड जस्टिस HL दत्तू इसके हेड हैं। स्लोगन कह लीजिए या फिर थीम कह लीजिए जो इस साल की है, वो है स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। और USA ने, इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखना, कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन है, इसे USA हाल ही में बाहर हो चुका है। बहुत बड़ी नेशन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम ध्यान रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है UNHRC के बारे में कि इंडिया इसका दोबारा से 2 साल के लिए मेंबर इलेक्ट हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट RBI गवर्नर टू रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, कि कौन से हमारे जो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं जिन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया था। तो ऑप्शंस हैं उर्जित पटेल, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, CD देशमुख या फिर रघुराम राजन। तो राइट आंसर इज सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अभी हमने हाल ही में न्यूज़ में पढ़ा कि उर्जित पटेल जिन्होंने RBI के गवर्नर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, तो फर्स्ट जो थे तो वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और पहले RBI के गवर्नर भी सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। 1 अप्रैल 1935 को जब RBI बना तब उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन 1939 में शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया, जहां पर उसका प्रेजेंट हेडक्वार्टर्स हैं, तो वो मुंबई है। नेशनलाइज हुआ यानी कि राष्ट्रीयकरण हुआ इसका 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को ये नेशनलाइज हुआ। अब इम्पॉर्टेंट है कि आज तक कितने RBI गवर्नर्स ने रिजाइन किया, तो उसका आंसर है 4। सबसे पहले सर ऑसबॉर्न स्मिथ, हाल ही में पढ़ा हमने उर्जित पटेल, इनके अलावा जो है बेनेगल रामा राव और S जगन्नाथन, ये 2 और हैं जिन्होंने रिजाइन किया। तो ध्यान रखना है कि 4 RBI गवर्नर्स हैं जो रिजाइन कर चुके हैं, नाम आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा स्ट्रक्चर की बात करें RBI की, तो 1 गवर्नर होते हैं और 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। तो डिप्यूटी गवर्नर्स कौन कौन से हैं? वायरल आचार्य, PP कानूंगो, महेश कुमार जैन एंड फोर्थ इज NS विश्वनाथन। ध्यान रखना है ये 4 डिप्यूटी गवर्नर्स हैं, और इन सब का काम क्या रहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में भी जो हर 2 महीने में आती है तो उसमें ये अहम रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली एयर चीफ मार्शल ऑफ इंडिया इज ऑन अ विजिट टू विच नेशन। जो हमारे एयर चीफ मार्शल हेड हैं जो एयरफोर्स के, तो वो किस नेशन के विजिट पर हैं? तो ऑप्शन आर रशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इज इट मालदीव। सो द राइट आंसर इज जापान। जापान में गए हैं जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं। एयर चीफ मार्शल हैं कौन? BS धनोआ, बिरेंदर सिंह धनोआ, जो एयर चीफ मार्शल हैं। और जापान किस लिए गए हैं? इट इज़ अ गुडविल विजिट टू जापान। माना जा रहा है कि हमारे सिर्फ कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए गुडविल विजिट है, ठीक है, तो इसके लिए गए हैं। जापान की बात करें तो कैपिटल इज टोक्यो, करेंसी इज येन। और एक इंपॉर्टेंट इंडियन एयरफोर्स के बारे में कि हाल ही इन्होंने एक हेल्थ ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम है MedWatch। अब MedWatch को लेके एक हेल्थ ऐप है, तो हम बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो सकती है, तो इसमें कोई मिनिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है, इसमें एयरफोर्स की ही अपनी ऐप थी, उन्होंने ही इसे लॉन्च किया 8 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर यानी कि एयरफोर्स डे वाले दिन। फोर्थ क्वेश्चन इज, विच न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल इज रिसेंटली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, कौन सी परमाणु सक्षम मिसाइल है जो हाल ही में जिसका टेस्ट फायर हुआ है अब्दुल कलाम आइलैंड से? तो ऑप्शन आर Agni-4, Agni-3, पृथ्वी और इज इट Agni-5। द राइट आंसर इज Agni-5। Agni-5 के बारे में देखें तो इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर, सर्फेस टू सर्फेस यानी कि सर्फेस से लेकर सर्फेस पर अटैक करने के लिए ये मिसाइल बनी है। और इम्पॉर्टेंट है, इसे डिज़ाइन किसने किया है? RCI रिसर्च सेंटर इमारत ने। ऑप्शन DRDO भी दे सकता है क्योंकि DRDO बहुत विख्यात है इसके इस सेक्टर में, तो ध्यान रखना है कि DRDO नहीं, इसे बनाया गया है RCI के द्वारा, डेट इज रिसर्च सेंटर इमारत। फिफ्थ क्वेश्चन इज, शुभम सिंह वॉज इन न्यूज रिसेंटली, ही इज अ, शुभम सिंह अभी हाल ही में खबरों में थे, क्यों थे अभी हम डिस्कस करेंगे, आपको अभी बताना है कि ये कौन है। ऑप्शन है हमारे पास, सेक्रेटरी है फाइनेंस मिनिस्ट्री के,
इंडियन डिप्लोमेट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, या फिर PRO यानी कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं PM ऑफिस में। सो द राइट आंसर इज इंडियन डिप्लोमेट। तो पहले सुन ले रहे कि न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि सार्क की एक मीटिंग हुई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, ठीक है। तो सार्क की एक मीटिंग हुई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, तो उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। अब उसको कहते हैं वाणिज्य और उद्योग के कक्ष, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हिंदी में वाणिज्य और उद्योग के कक्ष। सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। आपको पता है 2016 के बाद मीटिंग हुई थी, जो समिट होना था इस्लामाबाद पाकिस्तान में, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज ऑफ उरी अटैक, और काफ़ी सारे नेशन थे जिन्होंने क्विट कर दिया, इसलिए वो समिट ही कैंसिल कर दिया गया। तो उसके बाद से लेके अभी तक तो कोई मीटिंग नहीं हुई थी सार्क की, जो अभी हुई ये भी पाकिस्तान में हुई। इसका वेन्यू लिख लेना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में एक मीटिंग हुई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, तो इंडियन डिप्लोमेट जो थे वो शुभम सिंह इसमें इंपॉर्टेंट थे। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इस मीटिंग से शुभम सिंह उठ के चले गए। उठ के चले जाने का कारण क्या है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक मेंबर थे जिसका नाम था चौधरी मोहम्मद सईद, वो भी उस मीटिंग में प्रेजेंट थे। तो इनका, शुभम सिंह का ही कहना था कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो इंडिया का ही एक इंटीग्रल पार्ट है, हमारा ही एक अभिन्न अंग है, तो एक ही नेशन से दो रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते। हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कुछ नहीं मानते हैं, वो कश्मीर ही है, वो इंडिया का ही पार्ट है, इसलिए इन्होंने क्विट कर दिया। तो ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। सार्क की बात करें तो एस्टैब्लिश हुआ 8 दिसंबर 1985 को, 8 दिसंबर 1985। फुल फॉर्म इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एस्टैब्लिश हुआ, तब ये एस्टैब्लिश हुआ था ढाका बांग्लादेश में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में। ध्यान रख लेना, एस्टैब्लिशमेंट की जगह अलग है, हेडक्वार्टर अलग है। इसके जो मेंबर्स हैं उनके नाम देख लेते हैं जल्दी से, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये 8 इसकी मेंबर नेशंस है। सिक्स क्वेश्चन इज, फर्स्ट वाटर मेट्रो सर्विस विल स्टार्ट इन। पहली वाटर मेट्रो सर्विस कहाँ स्टार्ट हो रही है? ऑप्शन आर कोची, अहमदाबाद, भुवनेश्वर और इज इट डी कोयम्बटूर। सो द राइट आंसर इज कोची, ठीक है, कोची मेट्रो सर्विस केरला। तो ध्यान रख लेना कि पहली वाटर बोट सर्विस स्टार्ट होगी कोची मेट्रो सर्विस की साइड से, ठीक है, केरला में, तो इंपॉर्टेंट है। और कोची एयरपोर्ट वॉज गिवन चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड इन वन ऑफ द 5 कैटेगरीज। ध्यान रख लेना, कोची एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड मिला जब एक कैटेगरी में नरेंद्र मोदी को मिला, और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं अनमल, उन्हें मिला क्योंकि उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की थी। पर कोची एयरपोर्ट को इसलिए मिला क्योंकि इकलौता एयरपोर्ट है हमारे भारत का जो सारा का सारा सोलर एनर्जी को यूज़ करके वर्क करता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कोची के बारे में याद रखना। सेवन्थ क्वेश्चन इज, जगदीश ठक्कर रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉज अ रेनाउंड। जगदीश ठक्कर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो एक क्या थे वो, किस फील्ड से रिलेटेड थे, हमें ये बताना है। ऑप्शंस आर सीनियर जर्नलिस्ट, एडवोकेट, साइंटिस्ट या नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डेट इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। वो एक सीनियर जर्नलिस्ट भी थे, और दूसरा इंपॉर्टेंट उनके बारे में कि वो एज अ PRO काम कर रहे थे PM ऑफिस में। PR होते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब गुजरात में नरेंद्र मोदी CM थे तब भी उनके साथ थे, और जब ये सरकार में आए 2014 में NDA की सरकार बनी तब से ये PRO की तरह काम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। तो इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इसलिए ध्यान रखना कि सीनियर जर्नलिस्ट भी थे। अगर नहीं है सीनियर जर्नलिस्ट तो आपको PRO दिया हो सकता है। एट्थ क्वेश्चन इज, सेबीज इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म प्रीवियसली नोन एज। सेबी का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, यानी कि नव प्रवर्तनक विकास मंच, जिन्होंने हाल ही में नाम चेंज किया है। तो क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि उसका पुराना नाम क्या था। तो ऑप्शन ए इज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ऑप्शन बी इज मार्केट इंटरमीडरीज प्लेटफॉर्म, या ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी, के दोनों एक ही चीज़ हैं, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, इनमें से एक भी सही नहीं है। सो द राइट आंसर इज इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसे हिंदी में कहेंगे हम संस्थागत व्यापार मंच। इसका नाम बदल के रख दिया गया है इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म, यानी कि नव प्रवर्तनक विकास मंच। अब सेबी के बारे में बात करें तो सेबी क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एस्टेब्लिश हुआ 1988 में, और इसे स्टैटूटरी पावर्स मिली, यानी कि वैधानिक या कानूनी किसे ताकतें मिली 1992 में। सेबी है क्या, इज अ कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, यानी कि कैपिटल मार्केट यानी पूंजी बाजार को नियामक है, उसको रेगुलेट करता है, इन्वेस्टर्स जो है निवेशक हैं उनकी सेफ गार्ड की, उनकी सेफ्टी की ये बात करता है, और जो मार्केट इंटरमीडरीज यानी कि जो बीच वाले ब्रोकर्स होते हैं इन सब के लिए, तो उनको भी ये कंट्रोल करता है, ये सब काम सेबी के हैं। नाइन्थ क्वेश्चन इज, विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट स्टार्टेड। जो पार्लियामेंट का है वो जो विंटर सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स को, सारा सिस्टम को संभालने के लिए एक मिनिस्टर कंसर्न है, तो हमें बताना है कि वो कौन है। तो ऑप्शन आर नरेंद्र सिंह तोमर, अनंत कुमार, प्रकाश यादव, या इज इट ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। सो द राइट आंसर इज नरेंद्र सिंह तोमर। ध्यान रखना है अनंत कुमार हाल ही में एक्सपायर हुए,
इनके पास ये मंत्रालय था पार्लियामेंट्री अफेयर्स का, तो इसका एडिशनल चार्ज दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को, जो ऑलरेडी यूनियन मिनिस्टर हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिल जो इस विंटर सेशन में डिस्कस किया जाएगा वो है 3 तलाक वाला, और 3 तलाक को टेक्निकल टर्म में कहते हैं, जो जो मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग जिसका वर्ड यूज़ किया जाता है उसे बोलते हैं तलाक ए बिद्दत। ठीक है, और यूपी पहली स्टेट है जिसने इस बिल को कंसेंट दिया, इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया, तो यूपी फर्स्ट स्टेट है। बिल्स की बात करें, मनी बिल्स आर्टिकल 110 के अंडर आता है, फाइनेंस बिल 117 के अंडर आते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स 123 के अंडर आते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स 368 के अंडर लाए जाते हैं। जॉइंट सेशन बुलाया जाता है 108 के अंडर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि सिर्फ एक ही ऐसा बिल है जिसके ऊपर जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जाता, तो वो मनी बिल है जो हम आर्टिकल 110 के अंडर लाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन इज हु इज अपॉइंटेड एज न्यू सीई ऑफ स्विफ्ट इंडिया। स्विफ्ट इंडिया के नए सीईओ हैं, किसे अपॉइंट किया गया है? हमारे ऑप्शन है इंदिरा नूरी, अरुंधति भट्टाचार्य, नैना लाल किदवई, और इज इट डी सुमन शर्मा। सो द राइट आंसर इज अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य कौन है? ये एक्स एसबीआई की चेयरमैन रह चुकी हैं, इंपॉर्टेंट है, एसबीआई की चीफ रह चुकी हैं अरुंधति भट्टाचार्य। स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट की पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। स्विफ्ट इंडिया है क्या? एक जॉइंट वेंचर है किसके बीच में? जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, पब्लिक वो होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और उन सब बैंक्स के बीच का एक जॉइंट वेंचर है और स्विफ्ट के बीच में। वे काम क्या करते हैं? अब देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा एक पर्टिकुलर बैंक का चेक है, मैं किसी दूसरे बैंक में डिपॉजिट करवाता हूँ, तो वो बैंक की जिम्मेवारी होती है वो आपस में कम्युनिकेट करना, ठीक है, वो मैसेजिंग करना, वो सारा एक सिक्योर वे कराना। तो ये सब काम कौन करता है? स्विफ्ट इंडिया करता है। ठीक है, ताकि एक बैंक से दूसरे के बीच में जो टेलीकम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो स्विफ्ट इंडिया है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट काम है, ध्यान रखना है कि इसके जो नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं वो अरुंधति भट्टाचार्य हैं, जो एक्स एसबीआई चेयरमैन रह चुके हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसी वीडियो का पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप सरीन पाठशाला के नाम से टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, आप वहाँ जा सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट मिलते रहे। थैंक्स, जय हिंद।